भाई लिट्टी चोखा का ट्रेलर तो रिलीज हो गया, बहुत कमाल का ट्रेलर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दया शंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें बिल्कुल नहीं करता है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, खेसारी लाल जी से जुड़ा हुआ अपडेट है, जाकर आप जरूर देख लेना। आप सभी को बता दूं कि सुबह सुबह लिट्टी चोखा का जो ट्रेलर है रिलीज़ हुआ है। जी हाँ, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। मैंने पहले भी कहा था कि लिट्टी चोखा एक ऐसा फिल्म है जो कि सच में एक इतिहास बनाएगा, और आप देख लीजिएगा ये फिल्म इतिहास बनाएगा, क्योंकि नाम ही है लिट्टी चोखा। और आपको पता भी है खेसारी लाल जी का संबंध जो लिट्टी चोखा से है बहुत पुराना रहता है। जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि खेसारी लाल जी आज लिट्टी चोखा बेच कर यहाँ तक आए हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि मैं एक लिट्टी चोखा बेचने वाला था और आज मैं एक बहुत बड़ा स्टार, मतलब जो भी जनता की वजह से बना हूँ। लेकिन दोस्तों, यही नाम इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाएगा। फिल्म में लिट्टी नाम रहता है काजल जी का और चोखा नाम रहता है खेसारी लाल यादव जी का। और आपको बता दूं कि चोखा जो है दोस्तों फिल्म का एक किरदार है जो कि खेसारी लाल जी पर बैठता है एकदम फिट। और खेसारी लाल जी उस फिल्म में जाते हैं शहद कमाने के लिए, बहुत सारा परेशानी होती है, बहुत सारा झंझट के बाद मतलब खेसारी लाल जी कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और आत्महत्या करते हैं। इस टाइप का ही कुछ सीन क्रिएट किया गया है। और ओवरऑल गाने का जब बात करें दोस्तों, तो गाना बहुत अच्छा है, वही खेसारी लाल जी का मेलोडियस अंदाज, हमेशा मेलोडी गाने, और काजल राघवानी खेसारी लाल जी का एक से बढ़कर एक गाना। आपको अंत में एक आइटम सॉन्ग भी मिलेगा जो कि कमाल का है। तो ओवरऑल अगर मैं फिल्म की बात करूं दोस्तों, तो कमाल की मुझे एक्टिंग लगी खेसारी लाल यादव जी की। अब बात करते हैं काजल राघवानी जी की, तो ओवरऑल काजल जी का जो अंदाज है खेसारी जी के साथ वो हमेशा ही अव्वल नंबर पे रहता है, क्योंकि उनका जो केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, जो बॉन्डिंग है खेसारी लाल जी काजल राघवानी जी के बीच में, मतलब एक वर्ड में हम कह सकते हैं अमेजिंग। हमेशा ही काजल राघवानी खेसारी लाल जी कुछ ना कुछ नया करते हुए नज़र आते हैं। और इस फिल्म में तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पूरा ही नया अंदाज पेश कर दिया। जी हाँ, एक फिल्म हमने देखा था संघर्ष, आप याद कीजिए संघर्ष फिल्म देखा था, काइंड ऑफ उसी टाइप का मेरे को लग रहा है जो गेटअप है, जो लुक है खेसारी लाल जी का और काजल राघवानी जी का थोड़ा बहुत मेल खा रहा है। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और बात करते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर की, तो ओम झा जी और मधुकर आनंद जी म्यूज़िक डायरेक्टर है। अब मधुकर आनंद जी का एक लास्ट में गाना है, बहुत ही इमोशनल करने वाला गाना है, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म का कंसेप्ट। अब देखिए पर्दे पर कब आता है, जैसे ही आएगा हम अपडेट लेकर आएंगे। ओवरऑल इस ट्रेलर को मैं आउट ऑफ 10 9.8 देना चाहता हूँ। आप कितने नंबर देना चाहते हैं इस ट्रेलर को कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए।